How to fix Vivo Y15 network or SIM card error problem. कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का तिकिराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर एक error देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको ये बता रहा है कि network और SIM card error, ठीक है। तो अभी दोस्तों बात आते हैं इसको कैसे fix करना है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन बात ये problem आपको आते किस वजह से है, ठीक है। तो वह सब दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसका रीज़न बताने के साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। यहाँ पर वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए और प्रॉब्लम को जो है उसको फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सारे साथ दोस्तों यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दोस्तों मैं डायरेक्टली होम पेज पर आ गया हूँ, ठीक है। तो अभी दोस्तों आपको करना क्या होगा, ठीक है। आप दोस्तों जाइए आपने यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यह बता देता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आ रहा है। सबसे पहला तो यहाँ पे नेटवर्क और सिम कार्ड एरर बता रहा है, तो हमें दोस्तों नेटवर्क सॉल्यूशन तो करना होगा। सारे साथ दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, कॉल सेटिंग पर। कॉल सेटिंग कहाँ पर है, आपका फ़ोन सर्विस पर, ठीक है। तो हमें दोस्तों ये दोनों सॉल्यूशन यहाँ पर करना होगा, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सेटिंग पर जाना है और नेटवर्क का सॉल्यूशन यहाँ पर कर लेना है। उसके लिए दोस्तों आपको ड्यूअल सिम इन मोबाइल नेटवर्क पर जाना है, सिम को ओपन करना है और यहाँ नेटवर्क मोड पे क्लिक करके आपको 2G पर अपना जो नेटवर्क है उसको सेट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप नेटवर्क को 2G पर सेट करोगे नेटवर्क आपका 2G यहाँ पर पकड़ लेगा। 2G नेटवर्क कर लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर सिंपली बैक कर सकते हैं, ठीक है। बैक कर लीजिए और बैक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करके। यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई देगा आपका सिस्टम मैनेजमेंट, ठीक है। सिस्टम मैनेजमेंट पे आपको जाना होगा। सिस्टम मैनेजमेंट पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बैकअप एंड रिसेट पर क्लिक करना है। उसके बाद रिसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेटवर्क रिसेट सेटिंग पर क्लिक करोगे आपका जो यहाँ पर कॉल सेटिंग है रिसेट सेटिंग है उसमें क्लिक करके अपना पासवर्ड भर देना है और नेटवर्क सेटिंग को यहाँ से रीसेट कर लेना है, ठीक है। तो रीसेट यहाँ पर दोस्तों नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर लीजिए। नेटवर्क सेटिंग वगैरह रीसेट करने के बाद नेटवर्क का सॉल्यूशन तो यहाँ पर हमने कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क वगैरह का सॉल्यूशन कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा नेक्स्ट में, हमें दोस्तों यहाँ पर कॉल सेटिंग का जो एरर है उसको फिक्स करना होगा, ठीक है। उसके लिए हमें दोस्तों जाना होगा यहाँ पर एप्लीकेशन एंड परमिशन पर और हमें जाना होगा ऐप मैनेजर पे, ठीक है। तो हमें ऐप मैनेजर पे जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है आपका फ़ोन सर्विस, क्योंकि दोस्तों कॉल सेटिंग आपको फ़ोन सर्विस के अंदर पे ही मिलते हैं। तो आपको नीचे आ जाना है और नीचे आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ फ़ोन पे, तो इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों फोर स्टॉप कर देना है और ओके करना है। उसके बाद इंटरनल स्टोरेज पर जाना है, क्लियर डेटा करके इसको भी ओके कर देना है। तो ये कर लेने के बाद बैक कीजिए। बैक करने के बाद मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए। मोबाइल रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों देख लीजिएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाय एनी चांस यदि प्रॉब्लम आ जाता है दोबारा से सिम कार्ड को इजेक्ट करके इंसर्ट करके देखिए, उससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इन सब सॉल्यूशन के मदद से आप जो है इस प्रॉब्लम को यहाँ पर बिल्कुल आसानी से फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है आपको बेसिकली आते हैं नेटवर्क की वजह से या फिर सिम के एरर की वजह से, ठीक है। सारे साथ दोस्तों यहाँ पर आपका जो फ़ोन है तो उसमें जो यहाँ पर फ़ोन सर्विस है उसमें एरर हो जाने की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमने ये दोनों सॉल्यूशन एक साथ किया है ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली यहाँ पर फिक्स हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जाके देखिए दोबारा से कॉल सेटिंग पर, प्रॉब्लम आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको यहाँ पर पसंद आया होगा। यदि आपको इसके रिगार्डिंग पर और कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हैं एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपको किस तरीके से आ रहा है, या फिर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। और दोस्तों
यदि आपका नेटवर्क काफ़ी ख़राब रहते हैं तो आप कस्टमर सर्विस को कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको गाइड जरूर करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।